एवरीवन वेलकम टू डॉक्टर माध्यूज फिजियो क्लासेस मेरे इलेक्ट्रोथेरेपी के टीचर कहा करते थे कि आप जब इलेक्ट्रोथेरेपी दे रहे होते हैं अपने पेशेंट को तो किन कंडीशंस में वो पर्टिकुलर एपरेटस को यूज़ करना है इससे ज़्यादा ज़रूरी है आप ये जाने कि किन कंडीशंस में यूज़ नहीं करना है तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कॉन्ट्रा इंडिकेशन्स ऑफ अल्ट्रासाउंड थेरेपी के बारे में अल्ट्रासाउंड थेरेपी कब यूज नहीं करना चाहिए पहला है वैस्कुलर कंडीशंस में फॉर एग्जांपल अगर आपके पेशेंट को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है या फ्लेबोथ्रोम्बोसिस फ्लेबो है ऐसे में अल्ट्रासाउंड थेरेपी देने पे क्लॉट ऑफ हो सकता है ब्लड वेसल के अंदर बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड थेरेपी तो इससे एक एम्बोलस का फॉर्मेशन हो सकता है और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं दूसरी बात है अगर आपके पेशेंट के बॉडी पार्ट में ब्लड सप्लाई सही ना हो जैसे बर्जस डिजीज के केस में या फिर एथिरसिस में या फिर वेरिकोस वेन्स के केस में ऐसे में हो सकता है कि उनको अल्ट्रासाउंड थेरेपी की वजह से एक बॉर्न इंजरी हो जाए इन द डीप टिश्यू क्योंकि वहाँ पे हीट की डिसिपेशन ढंग से नहीं होगी जो हीट जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द अल्ट्रासाउंड एनर्जी इन टिश्यूज और ये अच्छे से डिसिपेशन नहीं होता है अगर ब्लड सप्लाई सही ना हो लेकिन हाँ यहाँ पे आप पल्स मोड ऑफ अल्ट्रासाउंड को यूज कर सकते हैं राधर देन यूजिंग द कंटिन्यूस मोड तीसरा कॉन्ट्राइंडेसन है इन्फेक्टेड लीशंस जैसे कार्बंकल सेलुलाइटिस एप्सेस ऐसे कंडीशंस में हो सकता है कि इन्फेक्टेड पार्टिकल्स टूट जाए और उनके लूज जो पार्टिकल्स है बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाए और इसकी वजह से सेप्टिसीमिया होने का खतरा बन सकता है तो अल्ट्रासाउंड थेरेपी इज कॉन्ट्राइंडेटेड नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है सस्पेक्टेड न्यूप्लाजिया या इन केस अगर आपके पेशेंट को बेनाइन या मेलिग्नेंट न्योप्लाजम होने के कोई सस्पेक्शन आपको दिखते हैं ऐसे में आपको अल्ट्रासाउंड थेरेपी नहीं देना चाहिए क्यों क्योंकि इससे कैंसर सेल्स हो सकता है लूज हो जाए और दूसरे एरियाज में चले जाए जिसे कहा जाता है मेटास्टेसिस क्योंकि अल्ट्रासाउंड एक मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और मेटास्टेसिस होने के चांसेस को बढ़ा देता है नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडेशन है कि ऐसे टिश्यूज जो रिसेंटली किसी रेडिएशन से एक्सपोज हुए हो, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को अगर डीप एक्सरे थेरेपी अभी अभी दिया गया है ऐसे केसेस में उनको अल्ट्रासाउंड थेरेपी नहीं देना चाहिए क्योंकि टिश्यूज ऑलरेडी डिवाइटलाइज हुए होते हैं बिकॉज ऑफ द रेडिएशन और इसकी वजह से अगर आप फिर से अल्ट्रासाउंड थेरेपी वहां पे दे देंगे तो अल्ट्रासाउंड के मैकेनिकल और बायोलॉजिकल जो इफेक्ट्स होते हैं वो टिश्यू ब्रेकडाउन का एक कारण बन सकते हैं नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडेसन है ओवर द प्रेग्नेंट यूट्रस जो अल्ट्रासोनोग्राफी महिलाएं करवाती हैं एक बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आ, देखने के लिए एक अल्ट्रासोनोग्राफर के पास दैट इज़ डिफरेंट मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ हम फिजियोथेरापी जो यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड थेरेपी उसके बारे में वो यूज हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी जो सेफ्टी है वो डिटरमाइन नहीं हुई है अभी तक ऐसी कोई स्टडी आई नहीं है जो ये कहती है कि इट इज सेफ टू यूज तो बेटर बी सेफ देन सॉरी नेक्स्ट है इन पेशेंट्स विथ हार्ट डिजीजेस जिन पेशेंट्स को पेस मेकर है जरूरी है कि हम थोड़ा सा ख्याल रखें वैसे पेशेंट को हम थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड ना दें क्योंकि जो हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल फील्ड एसोसिएटेड होता है वो अल्ट्रासाउंड के साथ वो इंटरफियर कर सकता है पेसमेकर के फंक्शन पे सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉन्ट्राइंडेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड थेरेपी उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा इसी तरीके के फिजियोथेरेपी के बेसिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर ले और कंटेंट अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स सीनियर्स और जूनियर्स को शेयर भी जरूर करें थैंक यू सो मच सी यू सून